जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा हमने वनीला क्रीम बिस्किट्स बना लिए थे और अवन की ट्रे में रख के इसको बेक कर लिया, ये निकाल लिया, ये बड़े जबरदस्त से अभी ये देखिए ये बेक हो गए, गर्म है अभी, ठंडा होगा तो डेफिनेटली ये छोड़ देगा और ठंडा होने के बाद ही आप इसमें आइसिंग कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त से बने, अब बन रही है वनीला क्रीम। वनीला क्रीम के लिए मैंने लिया था 1 टेबल स्पून बटर और आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस और लिया था 8 ounce 200 ग्राम आइसिंग शुगर, 2 या 3 चम्मच पानी, चूल्हे पर टच करो हटा लो। कॉलर है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा, बोलो। मुझे आपका शो बहुत पसंद आता है और मुझे आपकी पूछनी थी, ये फ्रेश क्रीम घर में बना सकते हैं? नहीं बेटा, वो बाजार से ले लो, क्यों बनाओगे, नहीं बनेगी जी। और मुझे लॉन्च चक्की की तरकीब पूछनी थी। अच्छा जी, जरूर वो भी सिखा देंगे, ठीक है, बिल्कुल सिखा देंगे, थैंक यू बेटा। अच्छा जी देखिए, इसको मैंने सिर्फ चूल्हे पे टच इसलिए किया कि मैंने नॉर्मल पानी डाला था, अगर पानी आप नीम गर्म ले लेंगी तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल चूल्हा बंद कर दीजिए। ये देखिए, ये हो गई हमारी जबरदस्त सी वनीला आइसिंग। एक बिस्किट उठाइए, बीच में लगाइए आइसिंग, दूसरे बिस्किट से जोड़ दीजिए, प्लेन बनाइए या क्रीम के साथ दीजिए, लीफ में बहुत ही मजे का लगेगा। अभी मुझे वो बात याद आई, कॉलर ने मुझसे पूछा था कि सेल्फ रेजिंग फ्लावर क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल मुझे अभी याद आ गया। देखिए सेल्फ रेजिंग फ्लावर वो होता है जिसके अंदर बेकिंग पाउडर या कोई भी ऐसा एजेंट ऐड किया हुआ होता है जिससे वो राइज होता है। तो आप अगर नहीं है आपके पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर, प्लेन मैदा आप ले लीजिएगा 8 ounce, प्लेन मैदा दोबारा से 8 ounce ले लीजिएगा यानी 4 कप ले लीजिएगा और 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। कॉलर है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आपा सलमान अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी बोले। मुझे जो कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना वो टेंडर नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए एक टिप चाहिए थी। और अच्छा ठीक है, मुझे कोई आपका क्विज नहीं चलता है क्या? क्या नहीं चलता? क्विज शो जो होते हैं वो? ऐसा कुछ भी नहीं है जी, थैंक यू। कुर्बानी का गोश्त नहीं गलता, उसको गलाने का ये, बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं बहुत जल्दी गल जाता है, पकाने का भी तरीका है, लेकिन जब आप कुर्बानी करवाएं प्लीज काफी देर तक गोश्त को लटका दें, लटका रहने दें, फिर उसका गोश्त बनवाएं, क्योंकि गोश्त में से जब खून ज्यादा निकल जाता है तो वो गोश्त खाने में भी हल्का, स्मेल भी बिल्कुल कम हो जाती है और बिल्कुल सही गल जाता है। और ये ज्यादातर चीजें देखिए ना, इस गोश्त की आप ग्रिल बनाएं, आप इसका बारबेक्यू करें, आप इसको बेक करें तो बहुत मजे का लगता है, लेकिन ग्रेवी वाले मसाले जैसे आलू गोश्त भिंडी गोश्त आप बना रहे हो तो मुझे खुद को भी ये चीजें इतनी उसमें मजे की नहीं लगती हैं, तो लेकिन खैर है, जैसा दिल चाहे करें, कीमा बना लें। अच्छा अब आप देखिए नहीं गल रहा है तो अब आप ये देखिए आप प्लीज, ये है वनीला क्रीम, ठीक है जी, इतना पानी डाला, इसको मिक्स किया, एक तो सैंडविच करती हूँ मैं आपके सामने, बिस्किट्स प्लीज ठंडे होने चाहिए, गर्म पे करूंगी तो कोई फायदा नहीं, बह जाएगी, ठंडा करना है मुकम्मल तौर पे और ये लगानी है इसके ऊपर ये वनीला क्रीम। ये वनीला क्रीम आपने इस पे लगा दी, दूसरे बिस्किट को उठा लीजिए और दूसरे बिस्किट को भी प्लीज ठंडा हो तो आप इसके साथ इसको सैंडविच करेंगे, इस तरीके से ही आप सारे बिस्किट्स बनाएंगे। और हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन 2 मिनट मैं इसको जरा सा ओवरटर्न करके छोड़ देती हूँ कि जरा सा इसको ठंडा हो जाए, गर्म है। बटर पेपर पे कीजिएगा अनग्रीस, कुकीज को कभी भी ग्रीस ट्रे पे नहीं करते, वजह क्या होती है कि जहाँ बिस्किट है वो ऑलरेडी इतना चिकना उसमें बटर होता है कि आराम से उल्टा हो जाता है, वरना फिर ये होता है कि एक्सेस जहाँ पर खाली जगह है वो जल रही होती है, जब वो जल रही होती है तो धुआं ही उठता है अवन में और कुछ भी नहीं। अब फिर पूछते हैं ना लोग ये धुआं कहाँ से उठ रहा है, तो ये अवन से ही उठ रहा है, वजह यह कि जहाँ साइडों पे आपने घी या मक्खन जो भी लगाया हुआ था। मैं इसको जरा सा टर्न कर रही हूँ, ठंडे हो जाए हैं, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको सैंडविच करेंगे, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मजे के, जरूर बनाइएगा। और ऊपर से अगर आपका दिल चाहता है इन कुकीज के ऊपर आइसिंग शुगर लेके डस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ऊपर टॉप तो नहीं देना चाहिए, ठीक है। मैं इसको उल्टा कर रही हूँ, ब्रेक का टाइम है, आप जल्दी से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेके आइए, हम इनको सैंडविच करते हैं और आप ब्रेक लेके वापस आइए। Thank you.
वेनिला बिस्किट्स बनाने के लिए मक्खन और चीनी को बीट करके इसमें एसेंस डालें, मैदा और सेल्फ रेजिंग फ्लावर को छान लें। अब मक्खन के मिक्सचर में अंडा और छना हुआ मैदा डालकर मिक्स कर लें। तैयार डो को आधा घंटा फ्रिज में रखें। ठंडा होने पर 1/4 इंच मोटा रोल बनाएं और बिस्किट कटर से काट लें। बेकिंग ट्रे में लगाएं और गैस मार्क नंबर 3 पर 20 मिनट तक बेक करें। आइसिंग के लिए आइसिंग शुगर को छान लें, फिर इसमें पिघला हुआ मक्खन, वनीला एसेंस और नीम गर्म पानी डालकर मिक्स करें। अब बिस्किट्स के ऊपर आइसिंग लगाकर दूसरे बिस्किट से कवर करके सर्व करें। दम का मुर्ग बनाने के लिए बादाम का छिलका उतार लें। बादाम, तिल, खसखस, नारियल और साबुत धनिया भूनकर पीस लें। दही में भुना पिसा मसाला, अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्च, क्रश प्याज और गरम मसाला डालकर मिक्स करें। अब चिकन को मसाला लगाकर मैरिनेट कर लें। एक डेगची में आधा कप तेल गरम करके चिकन को दम पर रखें। तैयार होने पर गरम गरम सर्व करें।